हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फोर टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डबल लेयर कपड़ा लिया है। यहाँ फ्रंट भाग की हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान यहाँ हमने 6 इंच पर लगा लिया है। 36 इंच चेन स्टिच का ब्लाउज है, इसके लिए हमने 6 इंच शोल्डर पर निशान लगाया। उसके बाद हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। आर्म होल पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर 6.3 इंच 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ हम 36 इंच चेस्ट वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट कर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम यहाँ आर्महोल की गोलाई देनी है। पीछे के भाग में हम आर्महोल की गोलाई हमेशा 1.5 इंच रखते हैं, पर आगे के भाग में हम यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे के भाग में हमें गोलाई कम देनी होती है। 1.25 इंच पर निशान लगाकर यहाँ गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम फ्रंट भाग के गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए हम यहाँ 3 इंच गले की चौड़ाई लेंगे और मैं यहाँ गले की लंबाई 6 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं इसको। ब्लाउज के जो फ्रंट भाग के गले की लंबाई जो होती है, डीपनेस उसकी 6 इंच ही होती है, पर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे गले में। इसके बाद हम ब्लाउज के फ्रंट भाग की लंबाई, यहाँ इसमें हम बेल्ट भी अटैच करेंगे, इसलिए हम इसकी लंबाई फ्रंट भाग में 12 इंच रखेंगे। जो नेक वाला पार्ट है उस साइड से हम इसकी लंबाई जो है 12 इंच रखेंगे और आर्म होल वाले भाग में हम इसकी लंबाई 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक वाले साइड हमने 12 इंच पर और आर्म होल वाले साइड हमने लंबाई में 12.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ मैंने चेस्ट का निशान नहीं लगाया था, तो सबसे पहले मैं यहाँ चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ हमारे चेस्ट हैं 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग यानी 9 इंच और उसमें हमने 2+ करा, तो यहाँ मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम यह दोनों निशानों को मिला लेंगे जो हमने लंबाई पर लगाए हैं। यहाँ कमर में मैंने नीचे 0.5 इंच डाउन करके लगाया है। कमर में हम हमेशा चेस्ट में जो भी हम चेस्ट का निशान लगाएंगे उससे 0.5 इंच कम निशान लगाएंगे। जैसे हमने चेस्ट में 11 इंच पर निशान लगाए हैं, वहाँ ही हम जो हमारी कमर का भाग है वहाँ हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड की लंबाई ले ली है। गले नेक गले की तरफ जो हमने लंबाई ली है ब्लाउज की वो है 12 इंच और आर्म होल की तरफ हमने जो लंबाई ली है वो 12.5 इंच। इसके बाद हम जो नीचे वाले भाग में 1 इंच की गोलाई देते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ हम शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट कट की ड्राफ्टिंग तैयार है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम 4 टक्स पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। यहाँ कमर पे जो हमने निशान लगाया 0.5 इंच डाउन करके वहीं पर इसकी कटिंग करेंगे। निशान लगाएंगे। टक्स का निशान लगाने के लिए सबसे पहले जो हम नेक पार्ट हमने कट किया है उसकी लंबाई को हम मेजर करेंगे। यहाँ 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच का आधा यानी कि 3 इंच यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। इसको आधा करना है, आपका जितना भी मेजरमेंट है उसको आधा कर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक लंबाई में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। या 2.5 इंच का हमारा टक्स रहेगा। यहाँ पर किसी भी नाप पर ये टक्स की जो निशान है वो सेम ही तरीके से लगेंगे और इतने ही मेजरमेंट रहेगा उनका। टक्स वाले ब्लाउज में यह सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ टक्स का मेजरमेंट सही लेकर निशान लगाते हैं तभी भी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही से आएगी, वरना आपके ब्लाउज की फिटिंग आती नहीं है। इसके बाद हम शोल्डर को फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद इस पर हम यहाँ सेंटर में निशान लगाएंगे।
यहाँ हम एक इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ हम एक इंच का निशान लगाएंगे। एक इंच का निशान लगाने के लिए सेंटर से हम आधे इंच का निशान एक साइड और आधे इंच का निशान एक साइड लगाएंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम लेंथ में निशान लगाएंगे। लेंथ के लिए हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट निशान लगाया है उससे हम डेढ़ इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और उसको इससे मिला देंगे। देखिए इसके बाद हम सीधा यहाँ ये टक्स आपका 3 से 3.5 इंच का लेंथ में लंबाई इसकी 3 या 3.5 इंच रहेगी, पर आप इस तरह से डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी पर अगर टक्स लगाएंगे तो ये आपके परफेक्ट टक्स लगेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जो हमने सेकेंड वाला निशान लगाया है उससे 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ कमर के साइड हम निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स 4, 4.5 से 5 इंच पर लगेगा। अब इसके बाद जो हमने ये नेक्स्ट टक्स लगाया है उसी से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक टक्स लगाएंगे और ये आर्म होल के सेंटर से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा 3 इंच का टक्स आएगा। देखिए यहाँ मैंने चारों टक्स लगा लिए हैं और आपको ये सेंटर में जो लाइन दिख रही है इस तरह से आपका टक्स का सेंटर बन जाना चाहिए। यहाँ जो फर्स्ट टक्स लगाया हमने वो 2.5 इंच का और ये सेंटर में जो ये टक्स है वो 3.5 से 3.5 इंच का आएगा और ये 4 से 4.5 इंच का। और जो आर्म होल वाला टक्स है वो हमारा 3 से 3.5 इंच का टक्स लगेगा और इसे बीच में आपका सर्कल बन जाना चाहिए ताकि ये आपकी फिटिंग जो आए परफेक्ट आए। इसके बाद मैं आपको बेल्ट की कटिंग करके बता देती हूँ। बेल्ट की कटिंग के लिए हमने यहाँ हमारे जो ब्लाउज की फुल लेंथ है वो 14.5 इंच रखी है। अभी जो हमने ब्लाउज की लंबाई है वो हमारी 12 और 12.5 इंच की है, तो हम यहाँ पर एक साइड 2.5 इंच का और 3 इंच का, यानी कि 2.5 और 3 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे तो हमारी जो फुल लेंथ है ब्लाउज की वो 14.5 इंच आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर लंबाई में हमारा जो चेस्ट का भाग है 10.5 वहीं पर निशान लगाएंगे, उतना ही लंबा ब्लाउज रखेंगे और एक साइड 3 इंच चौड़ाई लेंगे बेल्ट की और एक साइड 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे और इन दोनों निशान को ऐसे मिला देंगे। आप जितनी लेंथ आपकी है उसी हिसाब से आप ब्लाउज बेल्ट की लेंथ रखेंगे। यहाँ हमने ब्लाउज ये बेल्ट कट कर लिया है, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। हमारे ब्लाउज की जो फुल लेंथ है वो 14.5 इंच आ जाएगी। यहाँ टक्स लगाने के बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है, जैसे हमने अस्तर की कटिंग करी थी वैसे उसको रखकर मेन फैब्रिक पर सीधा रखकर कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद ही हम टक्स पर सिलाई लगाएंगे। टक्स पर सिलाई लगाने के बाद ही हम बेल्ट अटैच करेंगे। गले में हमें पाइपिंग वगैरह लगानी है या फिर इसके बाद ही हम हुक पट्टी लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इनको अटैच कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, रिलेटेड सभी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। हमने मेन फैब्रिक अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम टक्स पर सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए हमने जो निशान लगाए हैं हमारे वैसे ही इसको हमें इसे उठाते हुए हमने जैसे ही वहाँ निशान लगाया है वैसे ही उस पर सिलाई लगानी है। बस हमें इसे इनको उठाते हुए 1/2 इंच हम इस पर निशान लगाएंगे। ज़्यादा हमें इस पर सिलाई नहीं लगानी है, 1/2 इंच से भी आप कम रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा अगर इस पर निशान लगाएंगे तो आपकी ब्लाउज की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं दबाना है, बस 1/2 इंच के लगभग इसको दबाना है और जैसे हमने निशान लगाए हैं उतनी ही इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली है, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद ऐसे ही हम जो सब टक्स हमने लगाए हैं उन पर सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे वाला टक्स है ये सबसे बड़ा टक्स लगाएंगे हम। यहाँ 1 इंच का निशान लगाया है, तो जैसे हमने इसको फोल्ड किया था वैसे ही पकड़ते हुए हमें इस पर निशान सिलाई लगा लेंगे। हमारा जो सेंटर वाला टक्स है वही हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, बाकी 3 इंच पर हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। इस
तरह से हमें चारों टक्स पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने निशान लगाए हैं ठीक वैसे ही हमको सिलाई लगानी है, इसमें हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है। इस मेजरमेंट से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से टक्स वाला ब्लाउज बना सकते हैं। देखिए हमने चारों टक्स पर सिलाई लगा ली है, जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और हमारा टक्स वाला ब्लाउज बनकर रेडी है। देखिए यहाँ परफेक्ट टक्स दिख रहे हैं आपको और इसकी फिटिंग भी आपको परफेक्ट आएगी। हमने यहाँ बेल्ट और पाइपिंग लगाकर दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।